वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड है। सबसे पहले मैं एक अपनी तरफ से अफसोस भी करता हूँ, जो कल एक एक्सीडेंट हुआ और इतनी जाने चली गई। असल में जो एक दुखद एक्सीडेंट हुआ, हम सभी कॉरपोरेटर्स की तरफ से, अमित जी की तरफ से भी मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ उनको, और सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसे हादसे ना हो। आज की जो प्रेस वार्ता है, जम्मू नगर निगम के अंदर आप सब जानते हैं कि कल एक सम्मानित समारोह हुआ और उसमें हमारे माननीय एलजी साहब को बुलाया गया, और जिसका बहिष्कार हमने किया, हालांकि वो हमारा फंक्शन था, लेकिन हम उन लोगों से सम्मानित नहीं होना चाहते थे जिन्होंने जम्मू के साथ ये भेदभाव किया, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पैसा है उसका यूज किया। प्रोफेसर युद्धवीर जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि एक मीडिया कंक्लेव भी किया गया, सम्मानित समारोह किया गया, हरदीप पुरी जी को बुलाया गया। हम ये जानना चाहते हैं गृह मंत्री जी से भी, देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, जो बड़े अच्छे से आज इस देश को चला रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का सतर जो है, भारत को ऊंचा लेकर जा रहे हैं, कि अगर आपने 370 तोड़ा था, हमारी स्टेट को, 200 साल पुरानी स्टेट को यूटी में तब्दील किया, और गृह मंत्री जी ने वहां पार्लियामेंट से कहा कि 370 टूट चुका है, 73rd और 74 अमेंडमेंट लग चुका है, इसे लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब लोकल बॉडी चुनाव और पंचायती चुनाव जो है वो वक्त पे हुआ करेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि आज लोकल बॉडी चुनाव जो है वो वक्त पर नहीं करवाए जा रहे। लोकल बॉडीज खत्म हो चुकी हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज तानाशाही, अफसरशाही जो हावी हो चुकी है, दो दिन के अंदर डेवलपमेंट के काम रुक चुके हैं। आप देखें कि आज भी हमारे जो ठेकेदार हैं वो डेवलपमेंट का पैसा उन्हें नहीं आया, आज भी ट्रेजरी खाली है और वो ट्राइमाम कर रहे हैं। तो इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई जा रही? नहीं बात जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर थे राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा कि एक साल के अंदर बहुत कुछ किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सबसे पहला ब्लंडर आपने किया जब जम्मू के अंदर आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगवाया। जब हाउस के अंदर इस बात को रखा गया था और इस प्रस्ताव को पास किया गया था कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी थी कि आपने एलजी साहब का नाम लेकर कहा अगले हाउस में कि ये मैंने नहीं, ये एलजी साहब ने लगाया। आपने एलजी साहब को भी धोखा दिया, आपने उनका नाम यूज किया और उन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी साहब ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। आपने ग्रांट का पैसा, आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेवलपमेंट का पैसा मिसयूज किया। आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, आपने कहा कि प्लास्टिक फ्री जम्मू में बनाएंगे। आपने सेंटर से हरदीप पुरी जी को बुलाया, सेंट्रल मिनिस्टर जो है लोकल बॉडी के, और डीआरडीओ से जो आपने पॉलिथीन है उसको लॉन्च किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कौन सी दुकान में, कौन सी रेडी में वो प्लास्टिक जो है, जो आपने डीआरडीओ से पॉलिथीन लाया था, वो बिक रहा है? कौन सी फैक्ट्रीज आपने सीज कर दी, कौन से सोर्स आपने बंद कर दिए जिससे यह जहर जो है हमारे जम्मू के अंदर नहीं आ रहा? सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने पैसे का मिसयूज किया। आपने कहा कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। मुझे बताएं, जवाब दें आज जम्मू की जनता को कि कितने खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर, कितने इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है आपने सलाखों के पीछे किए, आपने उनको सस्पेंड किया, आपने कितनी लीगल बिल्डिंग तोड़ी, कितनी सीज की, जम्मू का जवाब दें। आपने कहा कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियों का मिसयूज करते हुए, आपने वो गाड़ी जो आपने बनाई उसमें पेट्रोल लगा, अपने सेल्फ
आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया और लोगों को बताया कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आप जम्मू की जनता के अंदर जाते, जम्मू की जनता से बात करते, आप बताएं कि आपने पिछले 5 साल में जितने भी हमारे मेयर रहे और डिप्टी मेयर रहे उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया, जम्मू की जनता के लिए कौन सा रोजगार पैदा किया, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आगे पहुंचाने के लिए क्या किया। रही बात स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो धांधली आप सबको देखने को मिलती है, जब एक बारिश होती है सिर्फ आधे घंटे की तो स्मार्ट सिटी पूरी की पूरी जो है वो एक्सपोज हो जाती है। आपने कहा कि हमने जम्मू के लिए यह किया, जब स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र शर्मा जी आपकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया। जब टोल प्लाजा के सरोवर टोल प्लाजा के ऊपर जम्मू एक हुआ और जम्मू की लड़ाई चल रही थी, युवा रायपुर सभा के साथी हमारे जेल की सलाखों में थे, एलजी साहब के बाद एक आप भी थे जिसके पास ये पोजीशन थी जो पॉलिटिकल सिनेरियो को और उसके प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहा था, आपकी तरफ से एक बयान नहीं आया। आपने कुछ नहीं किया जम्मू के लिए, आपने प्रॉपर्टी टैक्स साथ में मिलकर लगवाया, आज डेवलपमेंट का पैसा जो है ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा, आज हमारे जो ठेकेदार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी एक्सटेंशन की पड़ी थी, 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट का पैसा आपने मिसयूज किया जम्मू की जनता उसका जवाब चाहती है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर ताकि डेमोक्रेसी की और लोकतंत्र की हत्या ना हो। जो तानाशाही यहां पे चल रही थी, इस तरीके की तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। 370 जो तोड़ा था जा उसे वापिस करें, अगर आपने चुनाव नहीं कराना हमारी स्टेट उनको वापिस करें। हम आपसे सम्मानित कैसे होते, हमने प्रस्ताव लाया, अमित गुप्ता जी ने प्रस्ताव लाया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आपने उसे खारिज किया। मैंने प्रस्ताव लाया कि हमारा स्टेट हमें वापिस दो, आपने उसे खारिज किया। आपने एक साल डिक्टेटरशिप हिटलरशिप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चलाई। आप जब बंद कमरे में कहते थे कॉर्पोरेटर्स को कि कमिश्नर जब आएगा आप उन्हें थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाए, मैं संभाल लूंगा, इस तरीके की दोहरी राजनीति आप करते रहे। आपने झूठ की राजनीति यहां पे की। जम्मू की जनता आपसे जवाब मांगती है, वो पहले आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक करें कि जितनी भी खिलाफत जी विंग ने जो फाइलें बनाई थी वो फाइलें वहां से गायब है, वो कहां पड़ी है, कौन सा पैरोगेटिव था इनका। ये सिर्फ साइलेंट की राजनीति करते थे, टू 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 प्रोटोकॉल की राजनीति करते थे और जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाया। दरबार में बंद हुआ, आपने क्या कदम लिया, जम्मू की जो छोटे दुकानदार थे आज वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा रही, सैलरियां नहीं दी जा रही, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, क्या किया आपने जम्मू का रोजगार बढ़ाने के लिए। येलो लाइन के ऊपर अमित गुप्ता जी ने और मैंने और हमारे साथ अनुबाली जी ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गेट बंद किया, उसके बाद अग्नि लवासा जी ने येलो लाइन जो दुकानों के बाहर लगानी थी उसका डिसीजन वापस लिया। आपने जम्मू की जनता को 5 साल गुमराह किया। हम चाहते हैं भगवान करे कि जो लोग आज रूलिंग पार्टी में थे वो कल अपोजिशन में हो और जो अपोजिशन में थे वो रूलिंग में हो, वो डिप्टी मेयर हो तो आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट कैसे होती है। मैं अमित जी से निवेदन करूंगा कि अमित जी कहेंगे। गौरव जी पहले एक सवाल है आपसे, आपसे ये सवाल है कि आज आप आवाज उठा रहे हैं लेकिन अब जब कॉर्पोरेशन खत्म हो गई है तो आज आप क्यों तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हुई है। देखिए ये आपका सवाल अच्छा है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी कि हमने राजेंद्र शर्मा की सम्मानित समारोह का बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था। हिटलरशिप जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर और पूरे जम्मू के अंदर चल रही थी हमने उसका बायकॉट किया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी कि गुमराह करने की जो राजनीति इन्होंने पिछले 3 दिनों में दिखाई, चाहे वो मीडिया कंक्लेव के थ्रू, चाहे वो सम्मान समारोह के थ्रू, और जो उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू के लिए ये किया, आप बताएं कि जम्मू के लिए क्या किया, आपने सिर्फ प्रोटोकॉल को एंजॉय किया और अपनी राजनीति को। 3 दिन से पहले सब ठीक था? बिल्कुल नहीं ठीक था। हमने बड़ी कोशिश की कि उस वक्त भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें,
लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी क्योंकि वहां डेवलप काम चल रहा है तो पार्किंग का थोड़ा सा, इसलिए हम नहीं कर सके। और दिवाली का और भैया दूज का और ये सारे त्योहार थे, इसलिए हमने समझा कि हम इसे बाद में। गौरव जी, अगर बाकी में आपको लगता है कि आप लोग जम्मू की आवाज उठाना चाहते थे, जहां आपको लगता था कि जम्मू आगे बढ़ना चाहिए था, तो आपने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर जब आप लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही, जम्मू की आवाज नहीं सुनी जा रही, तो फिर किस तरह से ये कॉर्पोरेशन चलती? आप लोग क्यों देखिए, अगर हम इस्तीफा दे देते तो जो हमारे वार्डों में थोड़ा बहुत हमारी वजह से काम हो रहा है तो वो भी नहीं होता। आप देखें कि जो कॉर्पोरेटर्स हमारे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके वार्डों में हाल देखिए क्या हो रहा है, और ये डिक्टेटरशिप हमारे वार्डों में भी हावी हो जाती। तो इसलिए अगर हमने हमने हर हाउस के अंदर आवाज उठाई, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो। हमारे बीच में प्रोफेसर युद्धवीर जी भी बैठे हैं, लास्ट हाउस में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि राजेंद्र शर्मा जी आपके जैसे लीडर्स की वजह से, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो इलेक्शन डेफर हुई है, आज बीजेपी का जो इतना बुरा हाल है, वो इसी आदमी की बदौलत है। इसने अगर अपनी पार्टी के लिए भी सोचा होता तो शायद ये हाल नहीं होता, आज इलेक्शन आगे नहीं करनी पड़ती। तो इन्होंने इतनी बात कही कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? हमारे दिए हुए जो प्रस्ताव है आप उनको खारिज कर देते हैं, आप उनको पब्लिक में नहीं आने देते, हाउस में नहीं आने देते, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इतनी बात बोलते हुए उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया, और प्रधानमंत्री जी की मेरे को शाबाशी देंगे कि आपने मोदी जी का नाम क्यों लिया। अरे मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, पूरे भारत वर्ष के प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी के लिए बोलना, मैं नहीं समझूंगा कि प्रोफेसर साहब ने कुछ उनके लिए कुछ ऐसा कहा। अमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए भी जनता कह रही थी कहीं अमित जी कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं। नमस्कार मीडिया बंधु का। देखिए हम कहीं गुम नहीं हुए, हमने आम जनता के 5 साल के ये मीडिया बुलाने का मकसद या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमने 5 साल में जो मेहर रहे हैं, जहां चंद्रमोहन या राजेंद्र शर्मा, क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए, वो ये आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता कितनी त्रस्त है। पेंशन की बात की राजेंद्र शर्मा ने, आप भी मीडिया बंधु जम्मू के लोग हैं, डोगरे हमारे, बताइए कितनी पेंशन लगी। राजेंद्र शर्मा ने जी ने कहा कि आप फॉर्म फिल कीजिए, लोगों की पेंशन लग जाएगी। अभी तक लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, स्मार्ट मीटर पे परेशान है, इतने बिजली के रेंट आ रहे हैं लोगों के, वो कहां जाएंगे लोग। हमने हर हाउस में जम्मू शहर का मुद्दा लेके आए जो आम जनता को फायदा मिले। मैंने प्रस्ताव लाया कि मंदिरों का शहर है जम्मू, हमारा स्लोगन है, तो मैंने हाउस में प्रस्ताव पारित किया कि मंदिरों का शहर के नाम पे मंदिरों में पैसा लगे, स्मार्ट सिटी का मंदिरों के शहर में पैसा लगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में पैसा लगा सकते हैं काशी में, तो हमारे जम्मू में शहर में मंदिरों में पैसा क्यों लगे, मस्जिद में पैसा लगे, गुरुद्वारे में पैसा लगे, जो हमारे धरोले हैं जम्मू शहर के, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है मंदिरों के शहरों को, क्यों नहीं लगा पैसा, क्यों मेरा प्रस्ताव को खारिज किया गया, इसका जवाब दें। हम दोनों मेयरों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि जम्मू की जनता को बेनिफिट मिले। हम बताते हैं कितने लोग त्रस्त हैं, बिल्डिंगे इलीगल बिल्डिंगे बन रही है जम्मू शहर में। मेयर साहब ने कहा था ईमानदार जम्मू तो शानदार जम्मू, कहां गया आपका? क्या आपके टाइम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आपने फाइलें दबा के रख दी हैं अपनी ऑफिस रूम में, आप जाइए राहुल यादव जी के पास, कमिश्नर के पास, आपको जवाब देंगे वो। कहां गई जो बिल्डिंगें सील होने का आपने रोक दी, उनका काम क्यों किया, इसका जवाबदाई कौन है? आप मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने कहा था बिल्डिंग का हम लाभ बनाएंगे, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, अभी तक वो नहीं लाभ बन सका। किसे क्या फायदा मिला? जो भी बिल्डिंग ऑफिस में जाता है ऑनलाइन अपनी बिल्डिंग का पास कराने के नक्शा, तो वो नक्शा पास नहीं होता जनाब, ये आपको बता दूं, कभी आप भी जाके देखना। फिर भी डोर एंट्री से पैसे दलाल बैठे हुए वहां पे, तो नक्शे पास हो रहे हैं, कौन सा भ्रष्टाचार, ये सामने दिखता है भ्रष्टाचार। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा जनाब, जब तक आप कहीं मीडिया बंधु जब भी आप हाउस में आए, हमने 5 साल में हम इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर और अनदर कॉर्पोरेटरों ने मिलके जम्मू शहर की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। हमने हमें बताइए, हमने दोनों गौरव चोपड़ा
और अमित गुप्ता जी और प्रोफेसर साहब बैठे हैं, सोबत अली बैठे हैं, और भी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर, किसी पे नाम पे भ्रष्टाचार का कोई नाम आया? क्योंकि हमने जम्मू की बात की, आम जनता की बात की, लोगों की बात की। पीएचई डिपार्टमेंट चले आइए, जब से कॉर्पोरेशन के पास पीएचई डिपार्टमेंट आया, लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा, पानी मिलने की दिक्कत, गंदा पानी पी रहे हैं। स्टील लाइट, मैंने थोड़े दिन पहले एक चैनल पे बैठा था, वहां पे कहा दिवाली है आने वाली टाइम पे और जम्मू शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। कितना कुछ भ्रष्टाचार, हमने हर मुद्दे पे बात की है जनाब। हम जुदवी जी से कहते हैं तो बात करने।